हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 400 क्वेश्चंस की, जो कि आपकी प्रीवियस सीरीज का पार्ट टू है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे के सारे उन एग्ज़ाम्स के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो भी डिफेंस एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, या HP पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, या आर्मी GD टेक्निकल आर्मी हो गया, या SSC GD, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो ये है गोरखपुर में। याद रखना, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पर माना जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ्स के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये इन्होंने लिखी थी यारवाड़ा जेल में, इन्होंने लिखना इसे शुरू किया था। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि हम नीदरलैंड को कहते हैं। एक देशांतर की दूरी तय करने पे कितना समय लगता है? देखिए, देशांतर और अक्षांश, देखिए पृथ्वी जो है दो तरह की रेखाओं से, हमने ये इमेजिन की हुई है कि यहाँ पर पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएँ हैं। तो ये जो इस तरह से लाइंस आती हैं, जिसे इंग्लिश में हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है अक्षांश। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पर साउथ में आ जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी के साथ में हमारे पास जो ध्रुवों यानी पोल्स को जोड़ने वाली रेखाएँ होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, या फिर हम उन्हें एक और नाम से जानते हैं, देशांतर। तो एक देशांतर के मध्य दूरी कितनी होती है? 4 मिनट की दूरी होती है, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में सूर्य की रोशनी को 4 मिनट का समय जो है वो लगता है। इसलिए अब देखिए, समय भी इसी प्रकार से निर्धारित होता है। जो लंदन का ग्रीनविच है, वहाँ और इंडिया के बीच का जो टाइम में अंतराल है वो आपका पड़ जाता है 5.5 घंटे का। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में पहले दो समय हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है वो बहुत सी देशांतर रेखाओं के आने के कारण इनके बीच में 2 घंटे का समय का अंतराल पड़ता था। तो पहले जो ब्रिटिश इरा यहाँ पर थी, तो उस समय में यहाँ पर दो समय हुआ करते थे, जो कि जिसे चाय बगान समय कहा करते थे। ठीक है, भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्वों को इंग्लिश में कहते हैं DPSPs, फुल फॉर्म इसका रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। तो ये जो हमने लिया है, ये लिया है हमने आयरलैंड से। आपका DPSP से हमने बहुत सी चीज़ों को निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज, ये पहले DPSP का पार्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद में इसे नीति निदेशक सिद्धांतों से निकाल करके जो है वो एक पंचायती राज का गठन किया गया। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम नागरिक या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च शौर्य सम्मान इंडिया का माना जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय का संबंध किस समाज से है? तो ब्रह्म समाज से ये संबंधित थे, ब्रह्म समाज की इन्होंने जो है वो स्थापना की थी, तो 1828 के करीब। और उसी के साथ में इन्होंने आर्य सभा या आर्य समाज की भी जो है वो स्थापना की है। ठीक है, अच्छा, 44वें संविधान संशोधन किस मूल अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था, और इसके तहत जो है वो हमने अपने मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को एबॉलिश कर दिया था। उसके बाद में ये ख़त्म हो गया, और हमने इसी के साथ में इसमें ऐड किया 300A आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के तहत ये यहाँ पर ये बोला गया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब किसी को भी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसका ये अधिकार जो है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा जो है वो माना जाएगा, उसे संभाला जाएगा। लोकतंत्र जनता या जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये परिभाषा किसकी है? तो देखिए, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल बाय द पीपल,
तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक लोकप्रिय परिभाषा है, इसे दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। प्रोफेसर सतीश धवन, अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो एक झुकी हुई मीनार जो है ये किसका स्मारक है? ये इटली का स्मारक माना जाता है। अजमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद यंत्र से ये संबंधित है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग आएगा। देखिए जितने भी आपके नेशनल स्पोर्ट्स हो गए, नेशनल स्पोर्ट्स या फिर इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो आते हैं, पर्सनालिटीज़ फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने देखा कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ऐसे ऐसे जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल या फिर एमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ईद उल मिलाद, देखना याद रखना, ईद उल फितर नहीं है ये मिलाद है। तो ईद उल मिलाद जो है वो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर जो रही है वो है सरोजिनी नायडू। जीएसटी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई, हमने यहाँ पर वैट को ख़त्म कर दिया था और 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे। जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर जवाब दिया गया है, काबुल तो बिल्कुल भी नहीं है, भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू और इसकी करेंसी नगल ड्रम रहेगी। म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था बर्मा, जिसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून, और फिर अब जो है वो उसका नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया है और अब इसकी राजधानी जो है वो है नेपितो। राष्ट्रीय वनस्पतिक बाग किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये नोटो नहीं, ये नाटो है। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, ठीक है। अच्छा, नंदनकानन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है, नंदनकानन सेंचुरी उड़ीसा में स्थित है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? देखिए याद रखिए, सबसे पुराना राजवंश पूछा गया है तो मौर्य, गुप्त, वर्धन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आपका जो हर्षवर्धन का काल है वो बहुत ही पुराना, मतलब बहुत समय के बाद आया था, ये एडी में है, 635 AD के आसपास में। आपको पता है कि हिंसांग ने भी विजिट किया था, फिर गुप्तास भी आपके बाद में आए हैं और मौर्यास जो है वो सबसे पहले, इनमें से जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए इनमें से मौर्यन आपके सबसे पहले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे पहले आपका नंद वंश चला था, फिर हर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, शुंगा डायनेस्टी, देखिए क्या था पहले, सबसे पहले आपकी आती है हर एक डायनेस्टी, फिर उसके बाद शुंग आया, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आएंगे नंद वंश चलेगा, ये महापद्मनंद इसकी स्थापना करते हैं, और फिर उसके बाद में धनानंद की हत्या करके जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी संभालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, नौकरी का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नौकरी का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है हमारा, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है और यहाँ पर नौकरी का अधिकार हमारे पास नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका आ जाता है असम राज्य में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन को की स्थापना जो है वो की गई थी। रॉबर्ट मुगाबे किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं, जिम्बाब्वे से संबंध रखते हैं। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? तो इसका उत्तर रहेगा रीता फारिया, ये प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड ये थी। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन सबसे ऊंचा संसार का युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और आप सभी ये बात जानते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही।
भारतीय इतिहास के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त युग का यानी गुप्ता का जो भी टाइम पीरियड रहा उनको हम कहते हैं स्वर्ण युग ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडिया। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा? जो ये जो नारा है ये बाल गंगाधर तिलक का है। भारत में कौन से अन्न की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो चावल ही है जिनकी पैदावार सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो ये है इसका उत्तर राजस्थान। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये तबला बजाते थे। ठीक है, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो पाकिस्तान भी इंडिया की तरह इंडिया जो है वो 15 अगस्त को अपना जो है वो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं। किस शासक की मृत्यु पोलो खेल खेलते हुए हुई है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये पोलो एक गेम होता है जिसमें घोड़े पर सवार होकर के जो है वो खेला जाता है, और घोड़े से गिरने की वजह से जो है वो बाद में इनकी मृत्यु हो गई पोलो खेल खेलते हुए। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। ढाईरिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो आपकी इन्होंने ही करवाई है। भारत के संविधान में आपातकाल व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो जर्मनी से आपातकाल व्यवस्था यानी इमरजेंसी जो है वो लिया गया। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाज जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी संसद का नाम मजलिस है। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा इसका हेडक्वार्टर्स है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। उड़नपरी के नाम से कौन विख्यात है? तो उड़नपरी हम किसे बोलते हैं? उड़नपरी पीटी उषा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान का नृत्य है। मरणोपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को, और जो पोस्टमसली या मरणोपरांत ये भारत रत्न दिया गया था। कादंबरी किसकी पुस्तक रचना है? तो बाण भट्ट के द्वारा कादंबरी की रचना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर के आऊँगी। और इसी के साथ में आप हमें ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।